जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ए एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, ए एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। तो अभी जो है अभी लेटर जारी हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेटर जो है 29/8/2020 को ही जारी हुआ है, मतलब आज के डेट में ही जारी हुआ है। और ये लेटर है कि 9 तारीख को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, इसके बारे में बताया गया है। जो निर्धारित तिथि दिया गया था 9/9 से लेकर के 21/9 तक, जो 3 पालियों में एग्ज़ाम होने वाली थी, तो एग्ज़ाम जो है स्टेट का कंफर्म होने जा रहा है। और जो भी लोग स्टेट री एग्ज़ाम से संबंधित, जैसा कि हमने आज शाम में ही इस वीडियो को बनाया था, क्योंकि सब लोग का लगभग लगभग आशा टूट चुका था कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा या नहीं, और कोई ऑथेंटिक लेटर नहीं है। लेकिन 9 तारीख के एग्ज़ाम के संदर्भ में ये प्रथम लेटर है बिहार सरकार का, जिसको आप ऑथेंटिक कह सकते हैं, बिल्कुल जो ये सही है और सत्य है, इस पर आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। अभी तक जो भी हमारे सामने न्यूज़ आता था, जो भी नोटिस, वो सभी न्यूज़ का आता था, लेकिन ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो आप इस पर बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। और आपकी परीक्षा 9 तारीख से स्टार्ट होने वाली, ये बात ध्यान रखेंगे। आज शाम में हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि पता नहीं स्टेट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। उसमें हमने कहा था कि शायद से अभी तक कोई लेटर नहीं जारी किया गया है, तो एग्ज़ाम नहीं होने की संभावना है। मतलब कि हमने उस वीडियो को बनाया था लगभग 7 बजे शाम के लगभग में, लेकिन अभी अभी ये लेटर लगभग 9 बजे के लगभग जारी हुआ है और सोशल मीडिया पर आया, जैसा कि आपके पास भी आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो ये जो है PDF हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ से भी इसको लोड कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से ये बातें कही गई हैं कि आपको ये लेटर जो है 29/8/2020 को जारी हुआ है, और विषय है इसका क्या देख लीजिएगा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 पुनर्परीक्षा, और वो भी कैसा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि CBT के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए परीक्षा केंद्र स्वच्छ शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन हेतु समुचित विधि व्यवस्था तथा गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश। इसमें लेटर जारी किया गया, कहा गया कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा और समस्तीपुर, भागलपुर, पूर्णिया जिलों में बेल्ट्रॉन द्वारा चयनित एजेंसी TCS के द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन विधि से दिनांक 9/9/2020 से 21/9/2020 तक 3 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम संलग्न है, और इसमें स्पष्ट रूप से यह बातें कहा गया कि इन शहरों में आपका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम का जो तिथि है आपका वो 9 तारीख से लेकर के 21 तारीख जो तिथि निर्धारित कर दिया गया है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाए, और हम हमेशा ये वीडियो में कहते थे कि आपको तैयारी करते रहना, तैयारी करते रहना हमेशा। आज हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने कहा था कि संभवतः हो सकता है एग्ज़ाम न हो, लेकिन उसके बाद जस्ट लेटर आया, और लेटर से अब जो है पूर्णतः यह बात पता चल गया कि 9 तारीख से एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो निश्चित रूप से आपको भी यह चीज़, तो यहाँ पर अब निश्चित रूप से इस लेटर के द्वारा आपको पता चल गया होगा कि 9 तारीख को ही एग्ज़ाम होगी। और आप जो सभी जो हैं तैयारी में, देखिए जो तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो तैयारी में अभी तक नहीं लगे हैं तो कृपया आप जो है तैयारी में लग जाएं। और अभी भी समय है, डेट है, आप चीज़ों को रिवाइज करना है, टेंशन नहीं लेना है, आप रिविज़न कीजिएगा। यह पूरी तरह से लेटर जो है पूरे 4-5 पेज में निकाला गया है, सभी आप देख पा रहे होंगे। इसमें बताया गया है कि आप किस किस चीज़ों को नहीं ले जा सकते हैं, किस किस चीज़ों को ले जा सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। तो आप निश्चित रूप से जो परीक्षा का जो नियम कानून रहता है, उसी नियम कानून के थ्रू ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे, उसी नियम के थ्रू जो है ये एग्ज़ाम भी। और आपको मुख्य बातें हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर देखिए स्टेट 2000 परीक्षा जो है 9 से ही होगी। परीक्षा के लिए बेल्ट्रॉन ने TCS IOM का चयन किया है। परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद परीक्षा के जो है मद्देनज़र सभी केस को लगभग 31 को फिनिश किया जाएगा। परीक्षा के लिए कोर्ट के निर्णय के बाद शायद 4 से 5 सितंबर तक एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा, मतलब 4 से 5 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। प्रवेश 1 घंटा पूर्व होगा, पहली शिफ्ट प्रवेश 7 बजे सुबह, दूसरी शिफ्ट में आप 11 बजे कर सकते हैं, तीसरी शिफ्ट में आप 3 बजे प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। गौरतलब है कि सिलेबस के कारण रद्द हुई परीक्षा फिर बिना सिलेबस की ही हो रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है यही बनता है, मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि बिहार सरकार ने
परीक्षा का तो ऐलान कर दिया कि हाँ हमको परीक्षा लेना है, लेकिन सिलेबस का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। मतलब कि फिर से अब बिना सिलेबस का ही एग्ज़ाम होगा। निश्चित रूप से आप देख पा रहे होंगे जो भी सूचना आपके सामने है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर कहता है कि परीक्षा के लिए कोर्ट का निर्णय के बाद शायद 4 से 5 सितंबर तक एडमिट कार्ड देगा। अब यहाँ पर 31 यहाँ पर कह रहा है कि मद्देनज़र सभी केस को 31 को फिनिश किया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये जो कोर्ट में जो केस किया गया है ये पूरी तरह से सरकार समझ रहा है कि कोर्ट जो है केस किए कोर्ट में केस जो हुआ है वो हमारे फेवर में ही रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ में ये लेटर निकाला दे कि बिना सिलेबस का एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, आपको तैयारी तो करना ही पड़ेगा, परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी दुखद है ये, ऐसा नहीं लगता है। बताइए बिना सिलेबस का जो बच्चे, अभी हम फॉर्मली आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हमको नहीं पता है कि हमको कैसे बोलना है, लेकिन कब लेटर जब देखे तो हमको ये पता, जिस तरह से लेटर परीक्षा के लिए जारी किया गया है, अगर इसी तरह से लेटर अगर सिलेबस के लिए जारी किया जाता तो बच्चे कितना खुश होते, स्टूडेंट कितना खुश होते हैं, और उनको परीक्षा देने में कोई दिक्कत भी नहीं होता। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।